गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त अंकित सिंह चंदेल और आज मैं आपको लेके आया हूं दिल्ली जू के बारे में दिखाने के लिए। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। दिल्ली जू जो कि लोकेटेड है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास में, तो आपके लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से आपको ऑटो लेना है। वो मात्र 30 रुपये शेयरिंग में और वैसे जो है वो 80 रुपये लेते हैं। अगर आप रिजर्व करके आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में आप ऑटो से यहाँ पे आ जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ आने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ टिकट बुकिंग कैसे होती है और उसका प्राइस क्या है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये प्रवेश द्वार है दोस्तों, जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ भीड़ लगी हुई। यहाँ पे भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि ये लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, जिसको आप अपने फोन से कर सकते हैं। यहाँ पे साइट दी हुई है, उस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं टिकट। अगर आप फोन से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ हेल्प करने के लिए लोग रहते हैं, वो 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और आपकी टिकट बुक कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो टिकट प्राइस रहने वाली है वो 80 रुपये पर पर्सन है ऑनलाइन बुकिंग करने पे। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों लाइन लगी है अंदर घुसने के लिए, तो कई सारे दरवाजे हैं, किसी भी आप प्रवेश द्वार से सीधा एंटर कर सकते हैं। इतना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सामान रखने के लिए जगह है जो कि बिल्कुल प्रवेश द्वार के राइट साइड में है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ सामान लेके आते हैं तो यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। सामान जमा करने का मात्र 5 रुपये प्राइस है। अगर आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्टेज से ये फिश बनाई गई है बहुत अच्छी सी, सारे वेस्टेज इसमें यूज किए गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ई रिक्शा या जो गाड़ी होती है उससे अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिकट वो ले सकते हैं। और इसका प्राइस मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। एडल्ट के लिए 70 रुपये हैं और चाइल्ड के लिए 40 रुपये हैं। चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स के लिए भी है। तो यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो लगी हुई है। ये सब वही लोग हैं जो गाड़ी से जाना चाहते हैं। और ये रही गाड़ी दोस्तों, ये गाड़ी पूरे जू में आपको घुमाती है। तो अगर आप 70 रुपये दे के घूमना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से घूम सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ से मैंने दोस्तों 70 रुपये की टिकट ले ली है। सामने मेरे गाड़ी लगी हुई है और ये लाइन में मैं लग गया हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा थकना नहीं चाहता और बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने 70 रुपये की टिकट ले ली। और अगर आप पैदल भी घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं। तो यहाँ लाइन लगी हुई है और सामने दो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बारी बारी से लोग भर रहे हैं। और मुझे एक बैंड पहनाया जाता है, जिनके पास ये बैंड होता है सिर्फ वही गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो ये बैंड मुझे मिल गया है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ। दोस्तों ये जो गाड़ी थी इसमें बैठ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये अलग अलग स्टॉप पे उतारेंगे और वहाँ पे आप उतर के घूमो और फिर दूसरी किसी भी गाड़ी में बैठ के जा सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट है। तो अभी मेरे को यहाँ पे उतारा है वाटर पार्क के लिए, तो यहाँ पे आप बड़े बड़े पक्षियों को देख सकते हैं और उधर मंकी का जोन है तो उधर भी चल के दिखाऊंगा आप। ये देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना दी हुई, काई तथा सहवाल है। ये एक्चुअली देखने में अच्छा नहीं लगता पर ये पक्षियों के लिए भोजन है। और मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं दोस्तों शेर पूछ बंदर और भी सारी चीजें। क्या सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या। दोस्तों अंदर घुसते ही आपको ये दिख जाएगा वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का टैंक है। यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। और अब मैं चल के आपको धीरे धीरे सारी चीजें इस चिड़ियाघर के अंदर दिखाता हूँ। और आज मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए यहाँ पे घूमने में भी मजा आने वाला है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वो दिख रहा है दोस्तों शेर पूछ बंदर, बहुत दूर है, सिर्फ एक ही है। इससे ज्यादा मेरे कैमरे में जूम नहीं होगा तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। ये देखिए ये है दोस्तों शेर पूछ बंदर जो कि देख रहा है। तुम्हारे कैसा ही लग रहा है, गजब बेइज्जती है। यहाँ पे बंदर की बहुत सारी प्रजाति है जो कि आप देख सकते हो, मैंने एक दो देख ली है। अब मैं आपको पाड़ा हिरण वाला दिखाने वाला हूँ। ये देखा पाड़ा हिरण, चलिए यहाँ पे जगह जगह पे ड्रिंकिंग वाटर का भी वो दिया गया है प्रोविजन, तो आप पानी वगैरह पी सकते हैं। और ये इधर है पाड़ा हिरण, वो देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों ढेर सारे हिरण दिखेंगे, बड़ी सींग वाले हिरण। ये कृष्ण मृग है दोस्तों, ब्लैक बक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
अब यहाँ पे दोस्तों मैं सांभर हिरण देखने वाला हूँ। सांभर हिरण के बारे में जो सारे इंस्ट्रक्शन है वो इसमें लिखे हुए हैं, और वो रहे सांभर हिरण ढेर सारे। दोस्तों ताड़ बिलाओ ऐसे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। तो वो देखिए अंदर में दो बैठे हुए हैं, पर वो एंजॉय कर रहे हैं, हमारी तरह नहीं है खाली। चलिए तो अभी मैं इसमें बैठ के आ गया हूँ। अब मैं इधर देखता हूँ, इधर मुझे दिखेगा मगरमच्छ, धनेश एंड शेर, और इस तरफ हिप्पोपोटामस। तो पहले हिप्पोपोटामस देखेंगे। एक गाड़ी गई, अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा हिप्पोपोटामस। अरे यहाँ तो बंदर दिख रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये है, ये देखो रेस्ट कर रहा है हिप्पोपोटामस पानी में। अब चलते हैं मगरमच्छ देखने। यहाँ पे आपको ढेर सारे हिरन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे महिलाओं के लिए टॉयलेट्स वगैरह की भी व्यवस्था है। ये देखिए दोस्तों दो मगरमच्छ, ये मार्स क्रोकोडाइल है, का कलर ही एकदम अलग है, डरावना सा। दोस्तों अब भारतीय हाथी, घड़ियाल, बाघ, जगुआर, भेड़िया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब इस रास्ते को पकड़ेंगे, और आप यहाँ पे दोस्तों भीड़ देख सकते हैं, कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये दोस्तों तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हाथी, हाथी मेरे साथी। ये देखिए थोड़ा और नज़दीक से चलता हूँ। ओ भाई ये देखो, आगे आगे आगे, बाप रे, ये है दोस्तों भारतीय हाथी, कितना बड़ा। चलिए तो काफी जानवर देख लिए मैंने, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ व्हाइट टाइगर। अब दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको भेड़िया, वो रहा ये आया। वो देखो है चीता, चीता है चीता, जगुआर। देखो दोस्तों टाइगर भाई साहब, इसको जूम कर दो, ये देखिए। अब देखेंगे दोस्तों शुतुरमुर्ग, वो रहा पूरा भाई, तो सारा जानवर लग रहा भाई, पूरा बाप रे, अरे 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 इतना बड़ा, ये तो इधर ही आ रहा है। अरे भाई ये तो इतना बड़ा है, अरे रिटर्न मत जा भाई, रिटर्न मत जा, रिटर्न। ये ऐसे ऐसे स्टॉपेज आते हैं दोस्तों, जैसे स्टॉपेज आएगा यहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ये, और ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो यहाँ पे उतर के आगे देखना चाहता है वो जाके आराम से देख सकता है। इधर आप देखेंगे बहुत सारे डियर हैं, ये मैं पूरी जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो गाड़ी बुक होती है ये कहाँ कहाँ आपको रोकते हैं और क्या क्या दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ताड़ बिलाओ और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और ये अगला स्टॉपेज है इसका। यहाँ पे आपको बारह सिंघा, चीतल हिरण, रंग बिरंगे पक्षी, ये सब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे ये जो गाड़ी है मात्र 10-15 सेकंड के लिए वेट करती है, जो उतरना चाहे वो उतर सकता है, जो नया बैठना चाहे बैठ सकता है। टिकट आपका सिर्फ यही है जो हाथ में आपके बैंड लगा हुआ है, अगर आपके हाथ में बैंड है तो किसी भी गाड़ी में कभी भी बैठ सकते हैं। ये देखिए गैंडे का स्टेशन दोस्तों, अगर आप गैंडा देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। लेफ्ट साइड में गैंडा है, और राइट साइड में आप भालू देखना चाहें तो भालू देख सकते हैं। अभी ये कलरफुल बर्ड्स का जो है स्टॉपेज आ गया है, तो यहाँ पे अगर आप बर्ड्स वगैरह देखना चाहते हैं रंग बिरंगे तो इधर जाके देख सकते हैं। और अब ये हमारी टुक टुक चलेगी अगले स्टॉपेज के लिए।
स्टेशन पे टाइगर, जैगुआर, भेड़िया, तेंदुआ ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ भी गाड़ी रुक गई है। दिस इज द लास्ट स्टॉप। यहाँ पे अब आप उतर के सीधा एक्सिट कर जाइए। थैंक यू भाई। ये दोस्तों तो इसमें मेन जो चीज़ थी, जैसे वाइट टाइगर और ये सारी चीज़ें मैंने देख ली, शेर वगैरह देख लिया, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब देख लिया। सारी चीज़ें मैंने आपको व्लॉग में नहीं दिखाई हैं। रीज़न ये पहला तो ये था कि ये दूर बैठे रहते हैं तो वो दिखता नहीं कैमरे में बहुत अच्छा, और दूसरा अगर मैं सारी चीज़ें आपको व्लॉग में दिखा दूंगा तो यहाँ पे आने का जो आपके अंदर उत्सुकता रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप दिल्ली के चिड़ियाघर में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 80 रुपये का टिकट है और 70 रुपये का आप कैब है। मेरी समझ से अगर आप थोड़े से एजेड नहीं हैं, मतलब आप 20-25 साल के हैं या 30-35, चलने में सक्षम है तो आराम से आप आइए, टहल टहल के पूरा देखिए। कोई ज़रूरत नहीं है फोर व्हीलर वो गाड़ी बुक करने की, 70 रुपये वो आपके बच जाएंगे। बट ये जगह बहुत अच्छी है, घूमने में मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ नए जानवर देखने को मिलेंगे जैसे शुतुरमुर्ग, घड़ी, ये दरियाई घोड़ा और ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो अच्छा लगेगा। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग मेरा यूज़फुल लगेगा और पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव फन।